Welcome to online math class. Hope you all fit and fine. So today's our topic is the journey begins. Okay. In previous video we had question about waiting for buses. Previous video में हमने क्या किया थे? Waiting for buses से related question किए थे. और आज हम करेंगे the journey begins से related question. ठीक है? अब जो बच्चे trip में जा रहे थे वो पर उनकी journey क्या होगी? Start होगी. ठीक है, सो एट फर्स्ट ओपन पेज नंबर 27. लुक एट दिस पेज. सडनली द बस स्टॉप विथ अ जर्क. सडनली अचानक से क्या हुआ? बस स्टॉप हो गई. और द पेट्रोल पंप टू बसेस नीडेड टू बी रिफिल्ड. ठीक है, रिफ्यूल. सो क्या कह रहे हैं हमें? क्या जो उनके पास कितने बस थे? 6 बसेस थे. तो उसमें से 2 बस को क्या करना था? रिफिल का मतलब होता है उसमें डीजल भरना था. ठीक है, सो द बसेस स्टैंड इन अ लाइन. चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस. सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली. ठीक है, फिर क्या हुआ? बस जहाँ पे डीजल भर रहे थे पेट्रोल पंप में, वहाँ पे बसेस को एक लाइन में वहाँ पे स्टैंड मतलब एक लाइन में लग गई बस. ठीक है, और उसके बाद बच्चों ने क्या किया? अपने नेक मतलब अपने नेक को विंडो से बाहर निकाल के देखने लगे बस में डीजल कैसे भरते हैं. ठीक है, और कुछ बच्चे तो बस से बाहर आ गए और वहीं पे मतलब क्लोज गेट का मतलब है कि जहाँ पे डीजल भर रहे थे वहाँ पे जाके वो देखने लग गए कि बस में डीजल कैसे भरते हैं. ओके, तो आप क्वेश्चन आपका, एक बस टेक्स अबाउट 15 मिनट टू रिफिल एंड देयर आर टू बसेस टू बी रिफिल. ठीक है, बस में डीजल कितने बसों में डीजल भरना है? 2 बसेस में. और एक बस को रिफिल करने में कितना टाइम लग रहा है? 15 मिनट. सो आपसे पूछा है 2 बस को रिफिल करने में कितना टाइम लगेगा? सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट 10 मिनट्स व्हिच मींस दे आर लेट बाय अबाउट 10 मिनट्स. सो आपको निकालना है कि 2 बस को रिफिल करने में कितना टाइम लगेगा, हाउ मच, एंड वो अपनी जर्नी जो उनकी स्टार्ट हो गई थी उनको कितना लेट हो गया वो आपको निकालना है. ठीक है, सो आई हैव राइट डाउन दिस सॉल्यूशन. सो 1 बस इज 15 मिनट्स. 1 बस को रिफिल होने में कितना टाइम लग रहा है? 15 मिनट. एंड 2 बस को रिफिल होने में कितना टाइम लगेगा? 15. एड बाय 15, 15 को 15 में ऐड कर देंगे. ठीक है, सो हाउ मच? 30 मिनट्स. ओके, सो उनको 2 बस को रिफिल करने में कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट लगेगा. ठीक है, और वो लेट भी कितना हो गए? 30 मिनट. ओके, सो आपको जो यहाँ पे आपका फिल करना है इसमें आप करेंगे फर्स्ट में आपको सो दे स्टॉप फॉर अबाउट वो वहाँ पे कितने मिनट के? 30 मिनट. बिकॉज 1 बस रिफिल इज 15 मिनट्स एंड सेकेंड बस रिफिल इज 15 मिनट. सो टोटल 30 मिनट्स राइट हियर. एंड लेट भी उनको कितना हो गया? 30 मिनट्स. ओके, एंड लेट्स रीड. Hey, it was such a big tummy. It has already taken 100 liters. So we have to pay 3,500 rupees for the diesel. अब क्या कर रहे हैं? बस तो बहुत ही बड़ी है, टमी मतलब बस का पेट तो बहुत बड़ा है. इसमें तो पहले ही 1 लीटर डीजल फिल कर दिया. ठीक है, और वो कह रहे हैं कि 100 लीटर उन्होंने बस में क्या कर दिया? डीजल फिल कर दिया. और उन्होंने उसके पैसे कितने दिए? 3,500 दिए. सो आंसर पूछा आपसे, लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल. आपको बुक में दिया है 100 लीटर्स ऑफ डीजल की प्राइस कितनी दी है? 3,500. और आपको आपसे पूछा है 1 लीटर ऑफ डीजल की प्राइस कितनी होती है. ओके, सो लुक एट दिस. 100 लीटर डीजल इज RS 3,500 and 1 liter diesel is RS 3,500 divided by 100. क्या कर देंगे हम उसमें? डिवाइड कर देंगे. 3,500 को डिवाइड कर देंगे 100 से 1 लीटर डीजल का प्राइस निकालने के लिए. सो 0 से 0 कर, 0 से 0 एंड 35/1. सो 1 से इसको करेंगे कितना आएगा? RS 35. So 1 liter plus 1 liter diesel is RS 35. Okay. So 1 liter diesel कितनी जाएगा? 35 rupees का. Okay. So next, as the buses are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump. ठीक है. So
सो जब तक वो बस को रिटर्न कर रहे थे और डीजल भर रहे थे इसमें, सो उसमें से कुछ बच्चे कहाँ चले गए, टॉयलेट करने के लिए चले गए. हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट. सो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अमन को कितना टाइम लगा टॉयलेट करके, यहाँ मतलब बस में बैठ कर बैठने में मतलब कितना टाइम लगा. सो गर्ल्स क्या कह रही है मजाक में, अमन हैज टेकन अस टेकन एज मच टाइम टू इंटरटेन हिमसेल्फ एज वन बस इज टेकिंग टू रिपेयर. सो एक गर्ल्स कह रही है कि जो अमन है, अमन को टॉयलेट करने में कितना टाइम लगा, जितना टाइम एक बस को रिफिल करने में. एंड एज यू नो वन बस